छपरौली में बैंक लूट की वारदात को अंजाम देने वाला मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में 5 अन्य लूट और जान से मारने की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा और यूपी का यह मोस्ट वांटेड 75,000 रुपए का इनामी बदमाश नितिन, जिसे सोनीपत की CIA-1 पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो सोनीपत का ही रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक जसनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि CIA-1 टीम ने महाराजा अग्रसेन चौक सोनीपत से इसे गिरफ्तार किया है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम तो सोनीपत पुलिस द्वारा रखा गया है और 25,000 रुपए का इनाम यूपी पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। इसने वर्ष 2019 में दीपक नामक व्यक्ति की हत्या की है और 2019 में छपरौली बैंक लूट वारदात को भी इसने अंजाम दिया है और वर्ष 2018 में इन्होंने अपहरण की वारदात को भी अंजाम दिया था। तो आइए दोस्तों सुनते हैं सोनीपत के पुलिस अधीक्षक जसनदीप सिंह रंधावा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। माननीय श्री मनोज यादव जी के दिशा निर्देश के ऊपर एक पूरे हरियाणा के अंदर एक POs और मोस्ट वांटेड को पकड़ने की एक ड्राइव चलाई गई है, जो कि 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगी। इसी के अंतर्गत जो हमारी CIA-1 की टीम है, इंस्पेक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में और इनकी इंचार्ज ASI अनिल कुमार, इनके नेतृत्व में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारे दो राज्यों का एक मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसके ऊपर कुल 75,000 रुपये का इनाम है, जिसमें 50,000 रुपये का इनाम सोनीपत जिले द्वारा घोषित किया गया और 25,000 रुपये का इनाम यूपी राज्य द्वारा घोषित किया गया। तो इसको कल सोनीपत से पकड़ने में जो CIA-1 की टीम है उसको कामयाबी हासिल हुई है। इस क्रिमिनल की डिटेल्स इस प्रकार से हैं। नितिन सन ऑफ कृष्ण लाल, जो कि धोबीवाड़ा जाटवाड़ा शहर सोनीपत का रहने वाला है, ये महाराजा अग्रसेन चौक से कल इसको गिरफ्तार किया गया। इससे जब इसकी जमा तलाशी ली गई तो इसमें इससे हमें एक इलिसिट वेपन भी बरामद हुआ और एक कारतूस भी बरामद हुआ। ये पिछले 2019 के अंदर इसने कई वारदातों को यूपी और हरियाणा के अंदर अंजाम दिया और एक पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ था। इसकी अगर क्रिमिनल हिस्ट्री देखें तो 2019 के अंदर इसने अपने साथी विशाल उर्फ गोलू, जो कि राजपुर का रहने वाला है, दीपक और सुल्तान, जो कि बीदल के रहने वाले हैं, और सुधीर, जो कि खरकोते का रहने वाला है, इन सभी साथियों के साथ मिलकर शिव गंगा ढाबा, जो दिल्ली पानीपत रोड के ऊपर स्थित है, वहाँ पे फायरिंग की थी। इस फायरिंग का मुख्य उद्देश्य शिव गंगा ढाबा वाले को डराना था, क्योंकि उसकी सुधीर, जो कि खरखोते का रहने वाला है, उसके साथ पुरानी रंजिश थी। इसी अलावा 2019 के अंदर ही इसने अपने साथी अजय, जो कि चोलका का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर दीपक, रेजिडेंट ऑफ भटान मोहल्ला सोनीपत, उसका मर्डर किया था। और ये मर्डर करने का बड़ा ही छोटा सा कारण था, क्योंकि इसके रास्ते से उन्होंने अपना मोटरसाइकिल हटाने से मना किया था। 2019 में ही इसने अपने साथी जितेंद्र, जो कि सूप छपरौली का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर यूपी के अंदर इसने एक बैंक लूट को अंजाम दिया था, जिसके अंतर्गत FIR नंबर 298 पुलिस स्टेशन छपरौली के अंदर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दिसंबर 2019 के अंदर इसने अपने साथी वरिंदर सन ऑफ सतपाल, जो कि भैंसवाल कलां का रहने वाला, अजय छोटा अजय, रवि उर्फ झंडू, जो कि छोलका का रहने वाला है, और योगेश उर्फ बिहारी, जो कि भैंसवाल कलां का रहने वाला है, इन सब साथियों के साथ मिलकर इन्होंने दो मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर फायरिंग की थी। और इसके अलावा 18 के अंदर इसने किरपाल सन ऑफ बसीही, जो कि काकड़ा यूपी बागपत में पड़ता है, एक इस किरपाल को इसने वहां से किडनैप किया था। इसके अलावा अभी इससे और पूछताछ जारी है और इसकी हम आज पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और हमें उम्मीद है कि इसके अंदर अभी और क्रिमिनल और क्राइम की खुलासे हो सकते हैं। हमने अपनी पूरी जिला पुलिस को
अलर्ट पे रखा हुआ है। हमने अपने सारे SHOs और DSP और सारे ऑफिसर्स को फील्ड के अंदर प्रेजेंस, अपनी पुलिस प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आदेश दे रखे हैं। इसके अलावा जो जितने भी हमारे सेंसिटिव लोकेशंस हैं जहाँ पे किसी प्रकार से कोई समुदाय इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पे जो हमारे पीस कमेटीज़ हैं उनको एक्टिवेट करने के हमने निर्देश दिए हैं। और जो खास तौर पे दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ पे हमने अपनी पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई है। इसके अलावा बात करें तो सर साइबर क्राइम जैसे तरह से ATM क्लोनिंग वगैरह की काफ़ी घटनाएं सामने आई, इसके लिए पुलिस किस तरह से जिले में काम कर रही है? पिछले कुछ टाइम के अंदर देखा गया है कि ATM क्लोनिंग की घटनाएं या फिर ATM के OTP पता करने की घटनाएं या OLX फ्रॉड, इस टाइप से मोबाइल और साइबर फ्रॉड्स के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे एक ऑनलाइन फ्रॉड सेल स्थापित कर रखा है और उसको अभी आने वाले टाइम में और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि जितने भी इस टाइप के वारदातें हो रही हैं और उसकी जो पॉकेट्स आइडेंटिफाई करवा के लोकल पुलिस की हेल्प लेके वहाँ पे इसको एनालाइज किया जा सके। बाइक हटाने को झगड़ा हुआ, ये दारू के सप्लायर हैं, ये पांच जने हैं, पांच छह जने हैं और ये पीछे भी मर्डर में रहे हैं, दीपक सैनी, अवतार खत्री और दो इनके ग्रुप और हैं। और जो ये IU है अनिल, इसे मैंने पहले भी वो बताई थी, चार महीने पाँच महीने पहले मैंने इसको बताई थी कि ये आदमी संदिग्ध है, लेकिन उसके बाद भी ना तो इन्हें बुला के कोई इन्होंने मुझे सेटिस्फाइड करा, ना ही इन्होंने बताया कि मैंने इसको उठाया नहीं उठाया, या इनको बुला के हमने पूछताछ करी, किसी भी तरीके की कोई बात इन्होंने हमें नहीं बताई। ठीक है, जब वो ब्रदर ने दारू का विरोध किया और दारू बेचने पर आज भी ये सरेआम दारू बेच रहे हैं उस गली में, इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। किस जगह बेचते हैं, क्या नाम? दहीवाड़े मोहल्ले में, इसके चाचा वाचा ये सब दारू बेच रहे हैं। और ये जो जिसने मर्डर करा ये तो 25,000 का आरोपी UP से भी है, UP भी बैंक लूट में है, कई उसमें है। ठीक है, ये इनकी पूरी टीम है, पूरी चैन है खिदर पर, जो कि शाम को वहीं बैठती है और ये कई कई मर्डरों में संलिप्त हैं, ऐसे पीछे भी मर्डर पर संलिप्त थे ये। पूरी टीम में कितने आदमी हैं जी? कम से कम 7-8 आदमी है। दीपक ने इनका विरोध ही किया था, दारू मतलब दीपक ने विरोध किया था, उस विरोध के अगेंस्ट इनको गोली मारी गई है। आपका क्या नाम है? नवीन कौशली। उसकी शिकायत भी दी थी? ब्रदर हूँ मैं उसका, हाँ शिकायत दी थी मैंने, दैनिक भास्कर को इन्फॉर्म किया था, भास्कर ने भी मेरी इस खबर को भी छापा था। इसके अलावा कहाँ कहाँ शिकायतें दी हैं? मैंने अनिल विज के वहाँ, जब स्पेशली मैं अनिल विज के वहाँ 3-4 बार फेस हुआ, अनिल विज ने इस कार्रवाई को वो ज़्यादा वो करा, तब जाकर ये अब इसका खुलासा कर रहे हैं। पाँच महीने बाद भी एक ही को पकड़ा है? हाँ, 5 महीने बाद भी एक को ही पकड़ा है। अभी हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो मीडिया के द्वारा ही पता लग पाया कि ये अब आज यहाँ पेश हो रहा है और ये ऐसे ही है वो। इसके अलावा और कौन कौन है इसके? नितिन के अलावा और कौन कौन है? इसके साथी हैं, पूरी चेन है जी। अभी देवीवाड़ा में शराबी बेचते हैं? हाँ जी, पूरी जबरदस्त दारू बिक रही है। चलो मैं अभी, चलो मेरे साथ, मैं अभी दिखा देता हूँ। फिलहाल पुलिस ने इसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और गहन पूछताछ शुरू कर दी है ताकि अन्य संगीन वारदातों से भी पर्दा उठ सके। तो दोस्तों, सोनीपत पुलिस की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की ताजा तरीन जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के पेज को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम। Prayas mainly focuses on the learning and to do their best, working with others, showing cooperation and understanding within a team. Prayas educates students with learning differences. Prayas train up children in the way, how they stay connected with the God, believing in Him, having faith and stay positive. Prayas engages all students in partnership of family and community. At Prayas International School.